आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स नमस्कार, वेरी वेलकम टू माय चैनल मनी ट्री। और दोस्तों आज हमने मार्केट को देखा, जिस तरह से हमने सुबह ही वीडियो पोस्ट किया था कि मार्केट में एक दबाव का दौर रह सकता है और कुछ इसी तरह का ट्रेंड हमने आज बनते हुए देखा। हालांकि मार्केट ने जिस सपोर्ट की, हम डेली सपोर्ट की बात कर रहे थे 10,870, उस सपोर्ट के लेवल के ऊपर की ग्रोथ थी। हालांकि 10,930 का लेवल हम बात कर रहे हैं, 10,930 का लेवल स्टिल 930-935 की ही रेंज में अभी है। लेकिन अगर वीकली सपोर्ट और मंथली सपोर्ट की बात करते हैं तो दोनों ही सपोर्ट टूट चुके हैं और यहाँ से अब हमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है निफ्टी इंडेक्स के अंदर, बिकॉज स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स तो मोस्ट ड्रास्टिक फॉल दिखा रहे हैं और इन दोनों ही इंडेक्सेज में भी और ज़्यादा गिरावट आएगी। तो स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स के जो बेस्ट शेयर्स हैं उनकी लिस्ट आउट आप तैयार कीजिएगा, उन पर आप नज़र बनाने की कोशिश है और कहाँ पर वो बॉटम आउट होते हैं उसके बाद आप उसमें पोजीशन बनाइए, क्योंकि उसके बाद ही जब स्मॉल कैप और मिड कैप चलने शुरू होंगे साथ ही साथ तब आपको अच्छे प्रॉफिट्स भी मिलेंगे। इस वक्त चाहे वो निफ्टी हो, स्मॉल कैप और मिड कैप हो, तभी करेक्शन के मोड में है। स्ट्रांग फंडामेंटल पिक्स पर अब केवल नज़र बनाने की ज़रूरत है, कोई भी फ्रेश पोजीशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सो अभी हम कुछ स्टॉक के रिव्यू कर रहे हैं फटाफट और आप उनको स्टॉक को देखिए, नोटिस कीजिए, उनके लेवल्स को नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि अगर 10,000 के लेवल आते हैं मार्केट के अंदर तो वो स्टॉक्स कहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, उन स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज बहुत बढ़िया स्टॉक है, मैं किसी भी तरह से इस स्टॉक के लिए ये नहीं कह सकता कि फंडामेंटल्स में कोई वीकनेस है स्टॉक के अंदर, बट जब पूरा मार्केट ही गिर रहा है तो अकेला प्रकाश इंडस्ट्रीज मार्केट को कैसे सपोर्ट कर देगा। 5% स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर गिरावट, 2% मिड कैप इंडेक्स के अंदर गिरावट, निफ्टी भी लगभग आप 45 पॉइंट नीचे डाउन हुआ है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर वीकली सपोर्ट लेवल बताऊंगा प्रकाश इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, तो अगर आप वीकली सपोर्ट बताएंगे तो 103 इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वीकली सपोर्ट लेवल इन द प्रकाश इंडस्ट्रीज। आप समझ लीजिए 103 जिसने कि आज टच किया था, 103 लेवल आज टच हुआ था, नीचे आया था 101 पर, लोअर सर्किट मारा था, देन एंड ऑफ द डे रिकवरी आई और प्रकाश इंडस्ट्री 114 के लेवल पर क्लोज हुआ। बट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इज द 103 प्रकाश इंडस्ट्रीज ऑन द वीकली चार्ट। फिलहाल रेजिस्टेंस का लेवल आप भूल जाइए क्योंकि अभी गिरावट का दौर जारी रहेगा। एंड मंथली कैंडल पर आप बात करेंगे तो मंथली कैंडल पर भी आपको मैं लेबल्स बताता हूँ फाइनली कि कहाँ पर लेबल्स आने वाले हैं। सो मंथली कैंडल पर आप देख सकते हैं कि अभी फिलहाल होल्ड किया है प्रकाश इंडस्ट्री ने जो लेवल है 102 का, यानी कि आप मान के चलिए, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल वॉल लगाएंगे, आप मान के चलिए 105 के आसपास, यानी वीकली 103, मंथली चार्ट पे मंथली कैंडल 105 के आसपास के अगर क्लोजिंग आती है अब आने वाले महीने में या आने वाले हफ्ते में 103 के नीचे की क्लोजिंग आती है, देन फिर प्रकाश इंडस्ट्रीज आपको लगभग 70 रुपये के आसपास भी अवेलेबल हो जाएगा, 70 रुपीज़ के नियर बाय। यस आई एम राइट, आपको 70 रुपीज़ के आसपास भी प्रकाश इंडस्ट्रीज मिलेगा तकरीबन इन लेवल्स पर, 80 या दिस वन विल बी द सपोर्ट लेवल। सो ये रहेगा लगभग 73.56 का लेवल। सो रिमेंबर कीजिए, याद रखिएगा कि अगर प्रकाश इंडस्ट्री वीकली चार्ट पे 103 के नीचे की क्लोजिंग आती है द नेक्स्ट लेवल विल बी द 72-80 की रेंज में आपको प्रकाश इंडस्ट्री मिलेगा एंड मार्केट लगभग आपको 10,500 के से लेके 10,300 की रेंज में मिल सकता है। स्टिल मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट की संभावना है, हम लोग वेट कर रहे हैं रिवर्सल का। अगर रिवर्सल आता है, क्विक बाउंस बैक करता है मार्केट, देन इट्स ओके, अदरवाइज आप तैयार रहिए क्योंकि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट्स नेगेटिव हो रहे हैं, FIIs पैसा आउटफ्लो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, इस समय बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर काफ़ी वीक होता चला जा रहा है, इलेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो कि मार्केट को गिराने के लिए इनफ है। इसके अलावा मेघबानी ऑर्गेनिक्स एक अच्छा फंडामेंटल स्टॉक है, अच्छा बिजनेस है,
बट स्टिल अगर मैं बात करूँगा तो स्टॉक ने अपना मंथली सपोर्ट 78 का तोड़ दिया है। स्टॉक ने अपना मंथली सपोर्ट 78 का तोड़ दिया है, नाउ अब ये कहाँ रुकेगा नोबडी नोज, क्योंकि अभी इसका जो सपोर्ट है वो डीप है काफ़ी 50 रुपीज़ की। आप ये देख सकते हैं मंथली सपोर्ट आ चुकी, मंथ एंड हो गया है, 78 का मंथली सपोर्ट टूटा, नाउ अब कोई सपोर्ट ही नज़र नहीं आ रहा जब तक 50-51 के आसपास का सपोर्ट ही मुझे दिखाई देता है एंड उसके बीच का कोई सपोर्ट नहीं है। सो वी डोंट नो एंड नो कमेंट अबाउट इट। अगर 10,000 गया मार्केट तो ये 50 रुपये भी जा सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी संभावनाएं नज़र आती हैं अब मुझे, ठीक है। वीकली चार्ट पर भी मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर स्ट्रांग लेवल रहेगा इसका। एक लेवल है बस वीकली चार्ट पर 72 रुपीज़ का। अगर ये 72 रुपीज़ से रिवर्सल में चला जाता है, सस्टेन करता है पोजीशन को, 70-72 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है बिरिश मार्केट में भी, तब आप मान सकते हैं कि इसमें 70-72 का स्ट्रांग सपोर्ट है। अदरवाइज वो टूटा अगर तो 50 रुपीज़ डेफिनेटली आएगा मेघमानी ऑर्गेनिक्स के अंदर। ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब मार्केट 10,500-10,300 के लेवल की तरफ चलेगा। बंसाली इंजीनियरिंग अच्छा स्टॉक है बट द प्रॉब्लम इज दैट कि क्रूड के प्राइस बहुत हाई है, रूबी का फॉलन है। आप जब रूबी की वैल्यूएशन कम हो रही है, रूबी डेप्रिशिएट हो रहा है, क्रूड के प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी इंपोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है। रॉ मटेरियल होता है बीपीएल का जो रॉ मटेरियल है स्पेशली वो क्रूड है एंड यही वजह है कि हायर जो रॉ मटेरियल कॉस्ट पड़ रही है, जिसकी वजह से जितने भी पेट्रोकेमिकल केमिकल और ऑयल यानी पेट्रोलियम सेक्टर्स के स्टॉक्स हैं वो इस समय धराशायी पड़े हैं ज़मीन में। लगभग 7.5% 8% स्टॉक गिरा, 114 रुपये का लेवल अभी मुझे नज़र आ रहा है BEPL के अंदर, यानी 112 इज अ गुड सपोर्ट लेबल इन द BEPL, 112 यानी 112 का लेबल है मजबूत सपोर्ट। अगर 112 टूटा 112 टूटा देन 88-90 लेवल विल बी वेरी सून ऑन द चार्ट्स। आपको 88-90 रुपए का लेवल बहुत जल्दी देखने को मिलेगा पंसाली इंजीनियरिंग में अगर 112 का लेवल वीकली चार्ट पे तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग आ गई, ठीक है। मंथली चार्ट पे भी एक बार, अभी हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की कोई बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि नो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन सच अ मार्केट। 88-90 रुपीज लेवल मुझे डेफिनेटली नज़र आता है बंसाली इंजीनियरिंग में आने वाले दिनों में, जो कि आपका बेस्ट बाइंग लेवल भी रहेगा। तो नज़र बना करके बीपीएल में 88-90 रुपए का लेवल बढ़िया, मेघबानी में 50 रुपए का लेवल, प्रकाश इंडस्ट्री में अगर 103 रुपए टूटा तो लगभग 78-80 रुपए का लेवल मिलेगा आपको। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड ऑल्सो केमिकल सेक्टर स्टॉक, ये भी गिर रहा है बिकॉज ऑफ द क्रूड ऑयल प्राइस। क्रूड बहुत महंगा है, रॉ मटेरियल जो है वो क्रूड इसका जो रॉ मटेरियल है HSCL का, जिसकी वजह से गिरावट है और इसी वजह से स्टॉक ने अपने मंथली सपोर्ट लेवल जो कि तकरीबन 126 का था उसको ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ। काफ़ी डीप सपोर्ट है लगभग 70 रुपीज़ के आसपास मंथली पे। सो लेट्स सी कि वीकली सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है, प्रॉब्ली हो सकता है वीकली सपोर्ट अभी देखिएगा आप। ये बहुत अच्छी बात है कि अभी फिलहाल 112 रुपए का जो एक बहुत ही स्ट्रांग मजबूत सपोर्ट है वीकली में, आप देख सकते हैं यहाँ से एक सपोर्ट बनाया था इसने। और देखिए कुछ भी आप ये मत समझिए कि मैं कुछ बता रहा हूँ आपको, मैं जस्ट आपको चार्ट रीडिंग करके बता रहा हूँ क्या होने वाला है। जब एक व्हाट्सएप का मैसेज इन्फीबीम को एक दिन में 70% गिरा सकता है, सो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, ये आप मान के चलिए। आप मुझे फॉलो मत कीजिए, मैं आपको केवल एक फ्यूचर में जो प्रस्पेक्टिव आ सकता है वो मैं आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ, उसको वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अदरवाइज यस बैंक जैसा बेस्ट बैंक आज ज़मीन में पड़ा है, एक्सिस बैंक जैसा डेट ओरिएंटेड बैंक 600 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, जो ट्रेडर्स चाहेंगे वही होगा दोस्तों, हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होने वाला। और एक बात याद रखिए, हमारे और आपके हाथ में केवल एक ही चीज़ है मार्केट के अंदर, वो है लॉस बुक करना। कितनी जल्दी कितना छोटा लॉस आप बुक करते हैं ये हमारे और आपके ऊपर है, आपके हाथ में है, बाकी प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। स्टॉक कितना ऊपर जाएगा ये आपको नहीं पता, कहाँ पर आप बुक कर लोगे ये हो सकता है कि आप वहाँ बुक कर लो, लेकिन कितना ऊपर जाएगा कितना प्रॉफिट हो सकता है ये नहीं पता। कितना लॉस ले सकते हो आप ये आपको पता है, कितना लॉस ले सकते हो क्योंकि कैपिटल आपकी रिड्यूस हो रही है। आपकी अगर कैपिटल इस बियरिश मार्केट में रिड्यूस हो गई, ख़त्म हो गई, देन आपके पास कुछ नहीं बढ़ेगा। जब मार्केट बिल्कुल बॉटम में पड़ा होगा आपके पास पैनी प्राइस में स्टॉक अवेलेबल होंगे लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं होगा, तो आप स्टॉप लॉस को मेंटेन कीजिएगा, गिरावट में स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को कट कीजिएगा। अगर मार्केट मंडे को और ज़्यादा धराशायी होता है, 10,800 की तरफ बढ़ता है, सो डेफिनेटली 10,000 का लेवल पक्का आएगा मार्केट के अंदर अगले 3-4 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर मैक्सिमम,
और उस वक्त आपको सबसे अच्छे लेबल्स मिलेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए. सो सेव योर कैपिटल, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और अगर आप होल्ड कर सकते हैं देन वेरी गुड. आप अगर आपके पास फंड अलाउ करता है लोअर लेवल पे एवरेज डाउन करने का देन आप होल्ड कीजिए, नो इशू. फंडामेंटल्स आर नॉट नो इंटैक्ट, किसी भी तरह का फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, इन पांचों ही स्टॉक के अंदर इनके बारे में बात कर रहा हूँ. 112 माद्री का अगर टूटा सो नेक्स्ट लेवल विल बी द 79-80 रुपीज. तो आप याद रखिएगा हिमाद्री स्पेशलिटी में 112 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल. तो जो लोग अगर इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करना चाहते तो देखिए दो चीज़ें हैं, दो सपोर्ट है. एक बहुत छोटा सपोर्ट है 104 रुपये का, 112 टूटा देन 104 रुपये के आसपास सपोर्ट लेगा, और 104 भी अगर टूट गया तो 80 रुपये जाएगा ये स्टॉक. 112 सपोर्ट वन, नंबर टू सपोर्ट 104, एंड इफ 104 विल ऑल्सो ब्रेक ऑन द वीकली चार्ट, वीकली कैंडल, देन 80 लेवल इज द मोस्ट पॉसिबल लेवल इन द हिमाद्री स्पेशलिटी एंड द मोस्ट अट्रैक्टिव प्राइस टू बाय दिस स्टॉक एट द वेरी लो वैल्यूएशन टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. ओके, अशोक लेलैंड द वेरी फैंटेस्टिक स्टॉक, आई लाइक इट वेरी मच. 119 पे ट्रेड कर रहा है, पूरा आउट ऑफ सेक्टर धराशायी हो गया, लेकिन अशोक लेलैंड पोजीशन को बना रहा है. बट स्टिल इसके अंदर भी फॉल की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इसने भी अपने सपोर्ट्स को ब्रेक किया हुआ है वीकली चार्ट पर. मुझको जो अशोक लेलैंड का बॉटम प्राइस नज़र आता है जहाँ पर आप लोग बाय कर सकते हैं अच्छे लेवल पर, वो तकरीबन रहने वाला है 106 से 107 का लेवल. वीकली चार्ट पे 106 से 107 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है जहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ को अशोक लेलैंड की ऐड किया जा सकता है. मंथली चार्ट पे आपको मैं फिर बता देता हूँ अशोक लेलैंड का भी प्राइस. मंथली चार्ट पे अगर अशोक लेलैंड में 109 रुपए मंथली कैंडल पे अगर टूटा, बल्कि मैं और आपको थोड़ा सा और डीप बताता हूँ जिससे कि आपको कहीं पर इश्यूज नहीं हों. तकरीबन अगर 106 रुपए का स्तर वीकली और मंथली कैंडल ब्रेक कर देती है, नीचे की तरफ क्लोजिंग आ जाती है, देन उसके बाद आपको अशोक लेलैंड लगभग 80 से 90 की रेंज में अवेलेबल होगा, एंड दैट विल बी द बेस्ट प्राइस फॉर द अशोक लेलैंड फॉर द लॉन्ग टर्म होराइजन. आपको फिर अगले एक से दो साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि आप अब जो स्टॉक खरीदेंगे अगले कुछ महीने के बाद, अभी कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह की फ्रेश एंट्री लेने की, अभी तो गिरावट का दौर रहेगा. तो अब जो आप स्टॉक खरीदेंगे तो मान के चलिए उन स्टॉक्स में आपको नज़र बना के रखनी है, और वो स्टॉक आपको बॉटम प्राइस में मिलने वाले हैं अगले 3 से 5 महीने के अंदर. सो गाइज, ये हमने बात की इन पांचों स्टॉक पर. फंडामेंटल सभी के बहुत शानदार, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है फंडामेंटली, बट टेक्निकली सेंटिमेंटली पूरा मार्केट गिर रहा है. अभी 10,000 चूंकि निफ्टी में करेक्शन तो आना ही आना है, जब करेक्शन आएगा तो ऑब्वियसली पूरा मार्केट ही धराशायी होगा. और उस वक्त आपको अगले 3 से 5 महीने जो कि जिस तरह के इवेंट्स आने वाले हैं, इलेक्शंस आने वाले हैं. दूसरी चीज़, अब चूंकि बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पर काफ़ी वीकनेस है, FIIs आउटफ्लो कर रहे हैं. न्यू ईयर के टाइम पे FIIs काफ़ी पैसा विड्रॉ करते हैं मार्केट से. ग्लोबल सेंटीमेंट्स भी अप एंड डाउन हो रहा है. क्रूड बहुत हाई रेट पर चल रहा है. रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट हो चुका, माना जा रहा है कि रुपी 75 तक के लेवल भी टच कर सकता है आने वाले दिनों में. सो गाइस, ये सारी इवेंट्स मिलके एक तरीके का एक एनवायरनमेंट जनरेट कर रही हैं कि मार्केट अब 10,000 के स्तर तक जा सकता है, इसमें हमें शक नहीं होना चाहिए. सो गेट रेडी, आप अगर होल्ड कर सकते हैं तब रुकिए, अदरवाइज स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए. स्टॉप लॉस हिट हो तो अपनी कैपिटल को सेव कीजिए, लोअर लेवल पे अपने सेम स्टॉक्स को अगेन बाय कीजिए. दैट विल बी द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. क्योंकि अगर आपने एक स्टॉक 150 रुपये पर खरीदा और अगर वो 120 रुपये पर भी है और आपको 80 पर मिल सकता है, तो अभी 120 पर आप सेल आउट कीजिए, 80 पर रीपर्चेस कीजिए, आपको अगेन 150 पर ये स्टॉक वापस लेके जाएगा. सो दैट इज़ द बेस्ट टेस्ट स्ट्रेटजी फॉर द इन्वेस्टमेंट. तो मैंने आपको जो भी मार्केट का सिनेरियो इस 5 स्टॉक के बारे में बता दिया, आप नोट डाउन कर लीजिए और अगले वीडियो तैयार कीजिए, उसमें मैं नेक्स्ट 5 स्टॉक के बारे में बताऊंगा कहाँ पर आपको बाइंग लेवल पर नज़र बना कर रखनी है, कौन से वो 5 फंडामेंटल साउंड स्टॉक हैं जो कि आपको बेस्ट प्राइस देंगे बॉटम लेवल पर आने वाले 3 से 4 या 5 महीने में, आपको खरीदारी का सुनहरा अवसर देने वाले हैं. तो दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल मनी ट्री, और घबराइएगा मत, पैनिक मत होइएगा, स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ मार्केट का हिस्सा है. क्योंकि अगर आप पैनिक हो गए, आपने मार्केट के हिस्से नहीं बने, मार्केट के साथ अगर आप नहीं चले, तो दोस्तों आप ख़त्म हो जाएंगे, आपकी कैपिटल बर्बाद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला. सो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चलिए, मार्केट की चाल को समझिए और फिर डिसीजन लीजिए जो कि सही और फेवरेबल आपके लिए. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.